इसमें so फर्स्ट है एसिडिफाइंग एजेंट्स एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीज एसिडिटी आर नोन एज एसिडिफाइंग एजेंट्स एसिडिफाइंग एजेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है सम ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाइल सम आर यूज़ इंक्रीज़ द गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंक्रीज़ कर देती हैं और कुछ ड्रग्स आपके गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इन अ नॉर्मल पर्सन एचसीएल सिक्रीटेड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द स्टमक हैज एसिडिक पीएच एक नॉर्मल पर्सन में जो एचसीएल सिक्रेट होता है वो आपके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्बल होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है क्यों स्टमक है जब एच सी एल का सिक्रीशन होता है तो स्टमक का पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक म्यूकोसा ठीक है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एपिथेलियल सेल्स जो हैं वहां से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट पॉइंट है द एचसीएल सिक्रीट द स्टमक परफॉर्म एन इंपोर्टेंट फंक्शन जो एच सी एल आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहा है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है जैसे फर्स्ट है किलिंग द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विथ फूड एंड ड्रिंक जो भी बैक्टीरिया आपके फूड के थ्रू या ड्रिंक के थ्रू आपकी बॉडी स्टमक में पहुंच गया है तो स्टमक में प्रेजेंट एच ठीक है जो एच आपके स्टमक में सीक्रिएट हो रहा है वो एच आपके जो फूड आपने कंज्यूम किया है उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल कर देता है दूसरा पॉइंट है प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसके फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है नेक्स्ट पॉइंट है द एचसीएल सॉफ्ट द फाइबर्स फूड जो भी फाइबर्स फूड है उसको सॉफ्ट बनाता है एचसीएल का सीग्रीशन नेक्स्ट पॉइंट है इफ ड्यू टू सम रीजन देर इज नो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड एस एक्लोरहाइड्रिया दिमटम्स ऑफ एक्लोर हाइड्रिया इज माइल्ड डायरिया एबडोम पेन सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड लॉस ऑफ एपेटाइट कुछ रीजन की वजह से क्या होता है कि एच सी एल का सिक्रीशन बॉडी में नहीं हो पाता है स्टमक में नहीं हो पाता है एच सी एल का सिक्रीशन तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया ठीक है एक्लोरहाइड्रिया जिसमें कि का सिक्रीशन नहीं हो पाता है 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 के सिम्टम्स हैं माइल्ड एब्डोमिनल पेन सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड है लॉस ऑफ एपेटाइट है तो ये सब आपके एक्लोरहाइडिया के सिम्टम्स हैं और इस एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं जो भी आपके स्टमक में एचसियल का सिक्रीशन है उसको बढ़ा देते हैं नेक्स्ट है एंटासिड्स एंटासिड्स क्या होता है एंटासिड्स आर द ड्रग्स और प्रिपरेशन विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएटेड इन द बॉडी जब बॉडी में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं ठीक है एंटासिड्स क्या होता है एंटासिड्स वो ड्रग्स होती हैं जब बॉडी में जब बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है तो उस एक्सेसिव सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं वो एंटासिड्स हमारे एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एंटासिड्स आर द वीक बेस एंड दे रेज द गैस्ट्रिक पीएच लेवल जो एंटासिड्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एंटासिड्स गिवस रिलीफ ऑफ पेन ड्यू टू हाइपर हाइड्रिया हाइपरक्लोर हाइड्रिया की वजह से जो भी पेन हो रहा है उसमें रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं एंटासिड्स नेक्स्ट है अंडर द नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा नॉर्मल कंडीशन में जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो एपिथिलियल सेल्स हैं एपिथियल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट होता है नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एस गैस्ट्राइटिस देयर इज रिजल्ट हाइपर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज नोन एज हाइपरक्लोर हाइड्रिया ये पॉइंट क्या कह रहा है यहां कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन की वजह से जिसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस ठीक है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है हाइपर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सिक्रीशन जो होता है वो बढ़ जाता है उसी को हम कहते हैं हाइपरक्लोर हाइड्रिया ठीक है हाइपरक्लोर हाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं एंटासिड्स जो होते हैं वो एल्कोलाइन बेस होते हैं जो कि दे एंड दे न्यूट्रलाइज द एसिड जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं द यूज ऑफ Strong alkaline base बेस कैन नॉट बी antacid and एंटासिड एंड have डैमेजिंग इफेक्ट ऑन म्यूकोसल लेयर जो भी स्ट्रांग एल्कलाइन बेस होते हैं स्ट्रांग एल्कोलाइन बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये सब क्या हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बेस है इनको हम एंटासिड्स की तरह यूज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये जो इनका जो इफेक्ट होता है वो म्यूकोसल लेयर पर डैमेजिंग इफेक्ट होता है म्यूकोसल लेयर को ये डैमेज कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सिंस एक्ट बाय अल्टरिंग गैस्ट्रिक पीएच गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी पीएच जो एंटासिड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक और यूरिनरी पीएच जो यूरिन का पीएच है और गैस्ट्रिक का पीएच है दोनों को अल्टर कर देते हैं एंड ऑल्सो दे डू नॉट एल्टर द रेट ऑफ डिजोल्यूशन एब्जॉप बाय अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स लेकिन ये जो एंटासीड्स होते हैं ये डिजोल्यूशन को रेट को एल्टर नहीं करते हैं डिजोल्यूशन के रेट को चेंज नहीं करते हैं एब्जॉपन में भी ये कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं बायोवेलेबिलिटी में भी कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं ये नेक्स्ट है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स फर्स्ट पॉइंट है इट शुड न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी जो भी एक्सेसिव एसिडिटी है उसको एंटासिड न्यूट्रलाइज करते हैं इट शुड नॉट इंटरफियर विद डाइजेशन ये डाइजेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं इट शुड बी स्टेबल इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इट शुड नॉट प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन ये कॉन्स्टिपेशन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं इट शुड बी चीप एंड ईजिली एवेलेबल ये बेस्ट होता है और इजिली एवेलेबल भी हो जाता है इट शुड भी इंसोलेबल इन वाटर वाटर में इंसोलेबल होते हैं इट शुड नॉट इवाल्व गैसे गैसेस को इवॉल्व नहीं करते हैं इट शुड भी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरीटेंट ये नॉन टॉक्सिक और नॉन इरीटेंट होना चाहिए नेक्स्ट है क्लासीफिकेशन ऑफ एंटासिड्स जो एंटासिड्स है वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं जैसे सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक सिस्टमिक एंटासिड्स को हम वाटर सोलेबल एंटासिड्स भी कह सकते हैं सिस्टमिक एंटासिड और वाटर सोल्युबल एंटासिड्स का एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स और वाटर इनसॉल्युबल एंटासिड्स ठीक है नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स को हम वाटर इनसॉल्युबल एंटासिड्स भी कह सकते हैं जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स है वाटर इनसॉल्युबल सॉरी इनसॉल्युबल है यहां पे नॉन सिस्टमिक और वाटर इनसॉल्युबल एंटासिड्स ये फर्दर सब डिवाइड है जैसे फर्स्ट है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स ठीक है एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एल्यूमिनियम फॉस्फेट नेक्स्ट है क्लास इसकी नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स की कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट क्लास है इसकी मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स ठीक है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ट्राई नेक्स्ट क्लास है इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलीकेट ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है शॉर्ट नोट में तो डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स फर्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाटर जो एंटासीड्स का कॉम्बिनेशन होता है वो इंडिविजुअल एंटा सेट से बहुत अच्छा होता है इंडिविजुअल एंटासिट्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिट प्रशन हैंगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो ऑन सेट ऑफ एक्शन उनका जो होता है वो फास्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो लॉन्ग होता है ठीक है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है लंबे समय तक सीमित रहती है ड्रग्स बॉडी में और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी उनका फास्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट है एंटी फ्लेक्ट और डीफॉर्मिंग एजेंट ठीक है एंटी फोर्मिंग एजेंट और डी डीफॉर्मिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल है डायमेथिकोन और सामेथिकोन ठीक है आर जनरली इंक्लूडेड इन द एंटासिड फॉर्मूलेशन ठीक है डिफोमिंग एजेंट और एंटी फ्लैक्यूलेटिन फ्लैक्यूलेंट्स को हम एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं ये एंटी फ्लैक्यूलेंट और डिफोमिंग एजेंट्स क्या करते हैं ये जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं स्टमक में उसको रिड्यूस करते हैं ठीक से नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन प्रिपरेशंस फर्स्ट है इसमें कॉम्बिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर ठीक है इस कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है इट कंटेन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रेजेंट रहता है चाक पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब इसके कॉम्बिनेशन है तो ये पूरा आपका फॉर्मूला मिलकर कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर बनाता है इसमें आपके मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट सिलिकेट पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मिक्सचर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मिक्सचर में आपका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट प्रेजेंट रहता है लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है और जो पेपरमेंट होता है वो फ्लेवर की तरह यूज होता है इसमें नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट्स इसमें क्या होता है कि जो 250 सौ है 250 फिफ्टी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है 120 ट्वेंटी एम जी ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है पेपर और मैंथोल इसको हम फ्लेवर की तरह यूज कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में नेक्स्ट है साइमेथिकोन कंटेनिंग एंटासिड इसमें इसका एग्जाम्पल है डाई जेल क्या क्या प्रेजेंट रहता है देयर इज ए गैसी फीलिंग इन द हाइपर एसिडिटी जब हाइपर एसिडिटी में गैसी फीलिंग होती है तो उसमें हम डीफोमिंग एजेंट्स ऐड करते हैं डीफोमिंग एजेंट्स यहाँ पे साइमेथिकोन लिया है हमने सायमैथिकोन हमने जब ऐड किया तो ये प्रिपरेशन सान कंटेनिंग एंटासिड प्रिपरेशन हो जाती है और इसमें इट इज ऑल्सो कंबाइंड विथ मेगा जो साइमेथिकोन है जो डिफोर्मिंग एजेंट है साइमेथिकोन और डायमेथिकोन इसको हम मेगलड्रेट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं मे मेगलड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मेगलड्रेट ठीक है मेगलड्रेट के साथ में हम साइमेथिकोन और डायमेथिकोन को भी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है मेगलड्रेट एल्यूनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं मेगलड्रेट और ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है नेक्स्ट है मेगल रेट मेगल रेट मैंने बताई दिया था कि इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मेगलड्रेट होता है वो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है थैंक यू